For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. तो आपको कई शोज़ में हाई वोल्टेज ड्रामेबाजी तो देखने को मिलती ही है, लेकिन जो कुछ भी इन दिनों हो रहा है इश्क में मरजावा में, उसकी तो बात ही कुछ और है। अगर आपको जानकारी देखी कि आपको चल रहा है शो में, तो देखिए ना, जहां दीप की पीछे पीछे चली जाती है आरोही मासी के लिए, तो वहीं उसको लग जाती है गोली और घर आकर वो छुपाती है ये बात सबसे। जहाँ कल्याणी भी हो चुकी है अब राजचंद मेंशन में कैद, वहीं अब आपको साथ ही जानकारी ये भी दे देते हैं जहाँ आपने देखा कि आरोही लेकर आती है दिलीप सिंह को कल्याणी से मिलवाने, जहाँ वो उसे सिंदूर भी लगाता है। कितने में आ जाती है रोमा और वो देख लेती है उनको, पर लेकिन जैसे तैसे बात को संभाल लेती है आरोही। इसके बाद आपने देखा कि विराट और बाकी सारे मिलकर जश्न मना रहे होते हैं कि कल्याणी उनकी कैद में आ चुकी है और आरोही भी बदल चुकी है। इसके बाद आपने देखा कि वो प्लान बनाती है कि इनकी खुशी को तबाह करेगी, और इसीलिए केसरी बनकर फ़ोन करती है उनको और बोलती है कि अगर उन्हें मासी का फ़ोन चाहिए तो वो कल्याणी को छोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए वो राजी भी हो जाते हैं। वहीं अगली सुबह आपने देखा कि रंजिश बना रहे होते हैं सारे कल्याणी और केसरी को पकड़ने की। इसके बाद केसरी का दोबारा फ़ोन आता है और दिलीप सिंह उसे देता है हाथ में गोली कि जाकर वो लड़े विराट और दीप से। इसके बाद अब देखना कहानी में ये है कि क्या होता है आगे के ट्रैक में, और अब देखेंगे आप ये कि आरोही आएगी वो गन लेकर एकदम से और सब पर चलाने लग जाएगी गोली एक एक करके। जहाँ देखना यह है कि विराट के घायल हो जाने के बाद क्या उसकी मौत होती है या फिर नहीं। ऐसी और भी तमाम स्टोरीज के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से रवि की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।